दुनिया में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां ट्रैक्टर से खेती नहीं होती। ट्रैक्टर से जहां खेती होगी, ये बात सही है कि आपकी खेती तेज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 5 से 6 साल में आपकी जो भूमि है वो बेकार भी हो जाएगी, क्योंकि जो वजन पड़ता रहता है, वजन पड़ते पड़ते 1 फुट नीचे 1.5 फुट नीचे की मिट्टी सख्त हो जाती है। लेकिन जहां आज भी गौवंश से खेती हो रही है, वो खेती अलग है, उसका हिसाब किताब अलग है, उसकी उर्वरकता अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसमें उसकी बात ही अलग है। कृत्रिम होता है और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है। आप सोचिए, लेकिन ये दर्शन समझा जाए। आज गौवंश के साथ समस्या ये हो रही है कि उनका खेतों में उपयोग खत्म हो गया बैलों का। आज देखिए क्या समस्या है, और जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा तब तक धर्म है बैल, धर्म हमारे यहां धर्म कहा गया है, और अगर धर्म की रक्षा नहीं होगी तो आपकी और हमारी रक्षा कैसे होगी? विचार कीजिए। हम भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, लेकिन वो जिनको पूजते आए उनको नहीं पूज रहे। वो जीवन भर जिस गैया मैया के पीछे चलते रहे, डोलते रहे, गोपियां गोपी गीत में कह रहे आप हमारे बछड़ों के पीछे चलकर उनके पीछे अपने कंकड़ों से अपने पैरों को गड़बड़ करा लेते थे, वो उन बच्चों को आप बचाते थे, गोपियां कह रही है। वैसी कृपा हम पर कर दीजिए। तात्पर्य, जिनके लिए परमात्मा नंगे पैर दौड़ रहे हैं, सोचिए भगवान के जीवन में इनकी कीमत क्या रही है। लेकिन उस गौवंश को आदम तड़पता रोता मरता देख रहे हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा, तो क्या ठाकुर जी हमारे प्रति संवेदनशील होंगे? मैं प्रश्न कर रहा हूं जस्ट। क्या परमात्मा हमारे प्रति संवेदनशील हो? हम ऐसा सोच सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। हम अपने अपने जीवन को मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन गौवंश करा रहा है। सोचिए, आप विचार करके देखिए, छोटे छोटे बछड़े, गैया, गौ माता, बैल, सबकी स्थिति हम देखते हैं। हमारे यहां रोज डॉक्टर साहब आते हैं, एक एक दो दो का उपचार कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, रोज की बात है। आज आपको कोई घाव हो जाए, आप सोचो कितना दर्द होता है पट्टी कराने में, उनसे पूछो, जीवन तो उनका भी है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना भगवान से। रोज पूजा वूजा तो करते ही होंगे घर में। अरे नहीं करते तो 2 मिनट तो अपना ध्यान केंद्रित करके परमात्मा से कहो, हे गोविंद, गौ माता के लिए सुख कर दो, बस इतना सा मैं कह रहा हूं आपसे। आप अगर माला करते हैं तो जितनी माला करते हैं करिए, एक माला गौ माता के नाम की कर लीजिए। एक माला जो आप कर रही है, आपने 108 बन के फेरे, उसको गौ माता को सौंप दो। भगवान ये इसलिए करिए कि उनका कल्याण हो जाए। इसमें क्या गया आपका? क्या गया? आप खुद बताइए क्या गया आपका। लेकिन बात वही है कि हम करें। कई बार सोचिए, कुछ नहीं जा रहा पर व्यक्ति करना नहीं चाहता। लेकिन समझने वाली बात है कि इसलिए इन चीजों में अपने जीवन को ढूंढिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना मूल खोए हो, कहीं मर्म खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया, दया खत्म हो गई, तो फिर हम इंसान कहने लायक नहीं बच पाएंगे। फिर हम इंसान कैसे? इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो, वही तो धर्म का दर्शन है। आज हम कथाएं सुन रहे हैं, सत्संग से अगर हम सत्कर्म नहीं कर पाए, सत्संग से हम सत्कर्म की यात्रा न कर पाए, तो सत्संग कैसा? फिर कैसा सत्संग? फिर किसी मतलब का सत्संग नहीं है।
फिर कैसा सत्संग बताइए? हम कुछ सीखे ही नहीं, हम रोज स्कूल जाएं कुछ सीख के ना आए, रोज विद्यालय जाएं और सीख के ना आए, तो फिर क्या मिला हमें? कुछ ना मिला। यह भी विचारणीय है, यह भी सोचनीय है। और हम ये सोच रहे हैं, हम तो सब जानते हैं, हम तो सब सीखे हुए, तो यह मूर्खता है। जीवन वही है जो हमेशा अपने आप को, चाहे कोई अवस्था हो जाए, विद्यार्थी ही समझे, क्योंकि जितना सीखो उतना कम है। जितना हम में ज्ञान है उसके अरबों खरबों गुना अज्ञान है। अज्ञान बड़ा है, ज्ञान तो बहुत छोटा है। मैं जो जानता हूं वो आप नहीं जानते, जो आप जानते मैं नहीं जानता, पर जो है वो अभी भी हम नहीं जानते। क्या हम वो सब जानते हैं जो पूरी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब वो जो है जिसको हम अज्ञान कह रहे हैं, जो हम नहीं जानते, वो बहुत बड़ा है। हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, इसको हम ज्ञान कहते हैं। और हम उसी ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात जानने की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीलाओं का अगर आप बारीकी से दर्शन देखें तो आप खुद कहेंगे कि उसमें विज्ञान छुपा हुआ है। ये सिर्फ महज लीलाएं नहीं है, ये विज्ञान है। उन्होंने अपनी लीला से संदेश देने की चेष्टा की है कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा। तुम्हारे अंदर भी अगर तुम्हारी भक्ति में भी विषय आ जाए, विषय रूपी नाग आ जाए, तो तुम मेरी ओर आना, मेरे चरणों में बैठ जाना। जैसे नाग के फनों पर उन्होंने पैर पटक पटक के उसके मस्तक से वो विष, वो अहंकार निकाल दिया, वैसे हम भी अपने आप को वो करवा लें।